काल फिल्म याद है आपको? वो जंगल, वो डर, हर दिन कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम। चलो काल तो फिर भी काफी पुरानी फिल्म हो गई। स्त्री तो आई एम श्योर आपको याद ही होगी, जिसमें हॉरर यानी कि डर भी था और काफी कॉमेडी भी थी, यानी कि हॉरर कॉमेडी थी। तो बस उसी के प्रोड्यूसर दिनेश विजयन अब वरुण धवन और कृति सैनन के साथ लेकर आ रहे हैं भेड़िया। सो गाइस, आई एम तोनाक्षी कालरा और भेड़िया का ट्रेलर नहीं बट ट्रेलर की डेट की अनाउंसमेंट का टीजर रिलीज हो चुका है। मतलब कुछ भी हो रहा है बट ठीक है। बट इस 55 सेकंड्स के टीजर में ना अगर आपको गूज़बम्प्स ना आए ना बॉस, तो मेरा नहीं अपना नाम बदल देना, मेरा तो फिर भी ठीक है। ऑलराइट, सो भेड़िया का एक छोटू सा टीजर हुआ है आज रिलीज, जिसमें कहानी बताई है भेड़िया की, बहुत घना जंगल जिसमें वो भेड़िया है और कैसे लोगों का शिकार करता है। एक इंसान अपनी जान बचा के जैसे तैसे भाग रहा है और बैकग्राउंड में BGM यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त चलता है, जिसके इंग्लिश सबटाइटल्स नीचे लिखे हुए आते हैं। और यहाँ बताया गया है कि वो भेड़िया कितना भूखा है लोगों को खाने के लिए। इस टीजर में जब भेड़िया आग से निकलकर दहाड़ता है, वाह, वहां पर मजा आ जाता है। तो एज आई सेड, टीजर बहुत ही छोटा है लेकिन काफी इम्पैक्टफुल है और लगता है कि कब आएगा यार इसका ट्रेलर। तो ट्रेलर की भी डेट अनाउंस कर दी गई है, जो कि रिलीज होगा 19th of October को, ठीक उसी दिन जब वरुण धवन को फिल्म इंडस्ट्री में पूरे 10 साल हो जाएंगे। और इसकी रिलीज डेट तो पहले ही बता दी गई थी, तो भेड़िया थिएटर्स में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी 25th of November को इसी साल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने, प्रोड्यूस किया है दिनेश विजयन ने, जो स्त्री के बाद भेड़िया एज हॉरर कॉमेडी लेकर आए हैं। इसे लिखा है नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर नीरेन भट्ट ने। और एक्टर्स की अगर बात करूं तो इस फिल्म में वरुण धवन, कृति सैनन लीड रोल्स में है और साथ में होंगे अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाल जैसे बढ़िया एक्टर्स भी। हॉरर कॉमेडी है लेकिन इस टीजर में कॉमेडी का एलिमेंट फिलहाल नहीं दिखाया गया, लेकिन इस टीजर से साफ दिखाई दे गया है कि भेड़िया का विजुअल इफेक्ट्स यानी कि VFX बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एंड वी हैव टू अप्रिशिएट इट यार कि अब बॉलीवुड VFX पर फाइनली काफी मेहनत और काफी ध्यान भी दे रहा है, जैसे कि पहले ब्रह्मास्त्र आई और अब भेड़िया भी ऐसी ही लग रही है। बाकी पहले वरुण धवन ने अपना लुक इस फिल्म से रिवील करते हुए एक पोस्टर रिलीज किया था काफी टाइम पहले, जिसमें वो काफी इंटेंस लुक में दिख रहे थे। अब सुनो, जो लोग कहते हैं ना कि वरुण धवन सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं और कुछ नहीं, उनका परसेप्शन शायद भेड़िया से बदल जाएगा। आपको याद ही होगी उनकी फिल्म बदलापुर, उसके बाद भी काफी लोगों को लगा था कि वरुण धवन सीरियस रोल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में उस फिल्म में काफी अच्छा काम किया था। तो अब देखते हैं कि भेड़िया देखने के बाद लोगों का वरुण धवन को लेकर क्या कहना होगा, या एटलीस्ट इसके ट्रेलर के बाद हमें काफी कुछ इसके बारे में पता चल ही जाएगा। बाकी अभी के लिए तो इस जबरदस्त टीजर ने हमारी उम्मीदें काफी बढ़ा दी है। 55 सेकंड्स एंड यू फील लाइक यू वांट मोर। सो जाओ अभी इसका टीजर देखो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी क्या होप्स है भेड़िया से और क्या आप भी हो एक्साइटेड 19th अक्टूबर को इसका ट्रेलर देखने के लिए, क्योंकि मैं तो बॉस बहुत हो गई उसके टीजर के बाद। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा आपकी यार बहुत ही जल्दी आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।